अगर आप ये चाहते हैं कि खान सर, दिव्य कीर्ति, फिजिक्स वाला या जितने भी बड़े एजुकेटर हैं उनकी तरह अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो चुका है, हो सकता है 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हो, 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हो या मिलियन होने वाले हो या आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तो प्लान होता है कि अपना कोर्स कैसे सेल करेंगे, कैसे कोर्स बनाएंगे, PDF कहां रखेंगे, बच्चों से फीस कैसे लेंगे, बैच कैसे बनाएंगे, टीचर हायर करेंगे उनको लॉगिन कैसे देंगे, प्लस अगर आप यूट्यूब पे ऑफलाइन कोचिंग आपकी है तो बच्चों क्या बताएंगे कि आप किस पेज पे जाके हमें साइन अप करो, क्योंकि कुछ तो लैंडिंग पेज चाहिए ना। जैसे कोचिंग है, कोचिंग हमारा फिजिकल एड्रेस है, बच्चों क्या बोलते हैं, भैया फला फला जगह कोचिंग है आ जाओ, ऐड में यही देते हैं हम। तो अगर हम डिजिटल पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वहां भी तो एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो एड्रेस आज के टाइम पे हो गया है मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड, iOS और विंडोज भी। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये मजाक नहीं है, राइट, बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, तो किस टाइप की कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पैसों का, टेक्नोलॉजी का नहीं है। बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनवाया अभय क्लासेस के नाम से, और किसी से भी बनवा लिया, अब 10,000 आपके डाउनलोड्स हो गए, अब डाउनलोड्स के बाद उस टीम, उस एप्लीकेशन टीम के पास बैंडविड्थ नहीं है, स्ट्रीमिंग का टीम नहीं है, क्योंकि इसमें तो बग्स हर दिन आते रहेंगे, और वो ऐप क्रैश कर गया तो अब क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन कंपनी से झगड़ा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, केस करेंगे। वो क्या करेगा, लो सर मैंने आपसे 10-15 हज़ार रुपए लिए थे वापस, लेकिन आपका जो 10,000 डाउनलोड करने में टाइम गया, जो आपने कोर्स बनाया, जो आपने वीडियो बनाया, जो आप लाइव लेते थे, जो नोट्स बनाया, उसका क्या, तो लॉस हो गया। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनवाएं, किसी भी कंपनी से बात करें 100% राइट्स के साथ करें, सो दैट अगर कुछ गलत हो जाए तो डेटा आपका अपने पास रहे, डेटा कभी भी थर्ड पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। जैसे खान सर का ये एप्लीकेशन है, खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से, जो नया उन्होंने अपना लॉन्च किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं खान GS, यानी यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, ये तो एप्लीकेशन का नाम है, और ये जो नाम है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जो एप्लीकेशन बनाती हैं, यहाँ वो अपना नाम रखती हैं, सो दैट कि कोई कोचिंग बड़ा बने, ज्यादा डाउनलोड हो, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने ऐप यहाँ से बनाया। और अगर ये कंसोल आपके नाम से नहीं है, किसी कंपनी के नाम से आ रहा है, इसका मतलब आपका क्रेडेंशियल उस कंपनी के पास है, तो उस कंपनी से ये बोलिए कि भैया मुझे 100% राइट्स चाहिए, यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाके पेमेंट आप दो, अपने नाम से कंसोल लो, अपने ईमेल आईडी, अपने कॉन्टेक्ट नंबर पे आप राइट्स लो। किसी भी कंपनी से आप बनवाओ, चेक करिए उसके पास टीम कितनी है, उसके पास मैक्सिमम बड़े क्लाइंट कितने हैं, और एटलीस्ट 4-5 क्लाइंट से आप बात करिए कि वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। लाइव क्लास जब जाते हैं तो 720p पे लाइव वो अच्छे से कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, 1080p पे लाइव कर पाते नहीं कर पाते हैं, एप्लीकेशन चलाने में कहीं दिक्कत तो नहीं आती है, सपोर्ट में कहीं दिक्कत तो नहीं आती है, सब पूछिए जो उस क्लाइंट के कुछ टीचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है। जब आप एप्लीकेशन बनवा लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई, जैसे आप वहीं से फीस मैनेज कर लेंगे, लाइव बैच ले लेंगे, अपना डेली जैसे आपको 3 घंटा मिलता है, 3 घंटे वाला कोर्स रिकॉर्ड कर लीजिए, कोर्स रिकॉर्ड कर 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 करके अपने एप्लीकेशन पर रखते चले जाइए, फिर क्या करिए उसको लॉन्च कर दीजिए किसी प्राइस पे, और यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप पढ़ाते हैं, आप हर वीडियो में बोलिए कि बच्चों कि ये अपना कोचिंग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, iOS और एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड करिए। अब बच्चा डाउनलोड करा यानी आपकी किटी में आ गया, आपके पास आ गया, अब जो भी एप्लीकेशन पर आप डालेंगे, छुट्टी का डाल रहे हैं, ऑफर डाल रहे हैं, कोर्स डाल रहे हैं, PDF डाल रहे हैं, सब बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब अगर किसी बच्चे का 1 रुपया भी बकाया है, अब आपको आपके डैशबोर्ड में दिखेगा कि आप 100 कोर्स भेज चुके हो और आपका 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए पेंडिंग अमाउंट चल रहा है, उसको डिस्काउंट देके आप क्लियर कर दो। अगर फेस्टिवल आ रहा है तो आप ऑफर निकाल सकते हो, कूपन कोड एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हो, बच्चों को बोल दिया कि 9,000 वाला कोर्स केवल 5,000 मिलेगा, आपने कोई कूपन कोड दे दिया, यानी बड़ा तो आपको होना ही है, क्यों ना डे वन से प्रैक्टिस करें, ट्रीट लाइक ब्रांड, अगर आपको बड़ा ब्रांड बनना है तो डे वन से आप ब्रांड जैसे ब्रांड करते हैं वैसा प्रिपरेशन करिए। ऐसा कभी मत करना कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब ऐप मैं लॉन्च करूंगा, अरे तब ऐप लॉन्च करके आप पीछे हो जाएंगे ना, आपको कैसे पता कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, कौन सी वीडियो चल जाए, कौन सा शॉर्ट चल जाए, ठीक है। मान लो आपने एक शॉर्ट में ये बोला है वीडियो में कि बच्चों अगर हमसे मुझसे फिजिक्स सीखनी है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां मैं लाइव पढ़ाता हूं, और वो वीडियो 2 लाख चला गया, 2 लाख ऑटोमेटिक चला गया, तो उससे कम से कम 1,000-2,000 तो डाउनलोड हो ही जाएंगे अगर बच्चे आप अच्छा पढ़ाते हैं तो, लेकिन एप्लीकेशन आपने बनवाया ही नहीं है, तो शॉर्ट से पैसे तो यूट्यूब देता नहीं उतना, एप्लीकेशन से एटलीस्ट आप लाइव पढ़ा के नोट्स उनको बच्चों को देख के कुछ तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी बहुत चीजें खरीदनी है। तो सतर्क रहिए, बात ये जैसे हार्डवेयर है, पैनल वैनल तो चलो मान लो कहीं से ले रहे हो आप, खराब है किसी और कंपनी का ले सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, लेकिन जो डिजिटल इंटरनेट पे है उसमें अगर आपका राइट्स नहीं है तो बुरा है।
आजकल तो आप कुछ भी कर लो, सब एकेडमी ही है, राइट सर? और जिस भी एप्लीकेशन से आप बनवा रहे पैसा दीजिए, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन उनसे बोलिए आप मेरे कंसोल पे दीजिए, यहाँ मेरा नाम लिख के आना चाहिए, आपका नाम लिख के नहीं आना चाहिए। एप्लीकेशन आप अगर बनवाया है आपने तो जाके प्ले स्टोर पे सर्च करिए, तो नीचे जो ब्लू वाला है उसमें ये, जैसे ये लोटस एकेडमी एक और है तो उसमें क्लास बोट ने बनाया है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या नाम आना चाहिए था? लोटस एकेडमी आना चाहिए था। ठीक है, बड़े सपने देख रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बड़ी तैयारी है, तो सतर्क थोड़ा सा। सारी कंपनियां अच्छी हैं, जितनी भी एप्लीकेशन कंपनियां हैं सब अच्छी हैं, हमें अच्छा होने की जरूरत है। हमें थोड़ा वैलिडेट करने के बाद 2-4 सवाल पूछिए। पैसा दे रहे हैं ना, पैसा देने के बाद तो आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, तो पूछिए उनसे सवाल पूछिए। और अगर कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए रिगार्डिंग एप्लीकेशन हम लोग नहीं बनाते हैं, डे वन से क्लियर है, लेकिन ये है कि हम आपको राइट कंपनी तक रूट जरूर करा देंगे। और आप ये सब सवाल उस कंपनी से पूछिए जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे ईमेल आईडी पे चाहिए, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे चाहिए। आप जिससे भी बनवा रहे हैं अभी से आप सोच लीजिए, आपको ऐसी एक वेबसाइट भी चाहिए आपके अपने कोचिंग के नाम से, आपको एंड्रॉइड और ऐप स्टोर के लिए एप्लीकेशन भी चाहिए, क्योंकि आप एंड्रॉइड तो अवेलेबल है, आपके कोचिंग के नाम को अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है तो क्या कुछ हारा है? वहाँ भी तो आपका लैंडिंग पेज आना चाहिए, वेबसाइट आना चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग बड़ा कर रहे हैं, तो सो दैट आपका नाम गूगल पे भी आए, आपका वेबसाइट और मोबाइल पे भी आए। फिर आप मेहनत करिए, नहीं तो यही होगा जीवन भर गाली भी की गलती करते रहे, धूल चेहरे भी तो राइना साफ करते रहे। हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को बस चेंज नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, चीजें खराब हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। स्मार्ट इन्फोविजन एक मिशन पे है और मिशन बहुत बड़ा है, और उस मिशन में आप सब हमारे साथ हैं। सभी टीचर को डिजिटल करना है, सभी टीचर को घर घर पहुंचाना है, अच्छा शिक्षा नीडी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, और हर शिक्षक में पोटेंशियल है। आज भी अच्छे शिक्षक है वो वंचित है टेक्नोलॉजी से, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस या ड्यू टू एडॉप्शन। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है EMI पे काम करें। बाकी आप लोगों के प्यार से, अगेन 110 लोगों की टीम है, 5 ऑफिस है, लखनऊ, पटना, उदयपुर, नोएडा में 3 ऑफिस है, और सेटिस्फाइड है, दिल से काम कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मच।